हे गाइस, कैसे हो? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सैलरी ग्रोथ कैसी है और करियर ग्रोथ कैसी है माइंडट्री में। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे अगेन, इंस्टेड मैं एक एक को रिप्लाई करूँ, एक वीडियो बना लेता हूँ आपके लिए। तो जो लोग माइंडट्री ज्वाइन करना चाह रहे हैं और कन्फ्यूज हैं कि सैलरी ग्रोथ कैसी है वहाँ, करियर ग्रोथ कैसी है, करियर कैसा होगा वहाँ, काम कैसा होगा, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर ग्रोथ की माइंडट्री में। तो माइंडट्री में जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस जैसा रहा है, करियर ग्रोथ हाँ डिसेंट है माइंडट्री में। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी करियर ग्रोथ है, एकदम स्टार्टिंग से डेवलपमेंट करोगे या इम्प्लीमेंटेशन करोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वैसा भी नहीं बोलूंगा। और ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत बेकार है करियर ग्रोथ, मतलब कुछ सीखने को है नहीं, ये भी नहीं बोलूंगा। तो करियर ग्रोथ मिड में है, डिसेंट लेवल पे है। तो और वैसे भी करियर ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड करता है बंदा बंदे पे, वो कितना सीखना चाहता है चीजों को, ठीक है, और मतलब कितना वो अपस्किल रखता है अपने आप को, कितना इंटरेक्ट करता है लोगों से, खुद से कितना एफर्ट डालता है, उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो ये होता है। दूसरा फैक्टर होता है कि प्रोजेक्ट में कितना काम है सीखने को, प्रोजेक्ट में वही कुछ सीखने को है भी या नहीं, प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं स्टेबल हो गया है और आप सिर्फ सपोर्ट दे रहे हो। तो यही दो तीन फैक्टर होते हैं जिन पर डिपेंड करता है। तो हाँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से माइंडट्री में करियर ग्रोथ हाँ डिसेंट रहेगी। अगर कोई और ऑफर है, अच्छा ऑफर है, तो मैं कहूंगा उसके लिए जाओ, बट अगर माइंडट्री ही लास्ट ऑप्शन है तो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। तो करियर ग्रोथ सही है, ठीक ठाक है। और नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी ग्रोथ जो है हाइक, अभी का मुझे पता नहीं करंट सिनेरियो क्या है, मगर मेरे टाइम पे जो था सैलरी ग्रोथ, आपको अच्छा सैलरी ग्रोथ देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 2 साल बाद, जब आप प्रमोट हो जाओगे, यानी कि डेजिग्नेशन हाइक जो होगा। अप्रेजल भी होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो अप्रेजल होता है, एक होता है डेजिग्नेशन हाइक। तो अप्रेजल मतलब नॉर्मल सैलरी जो इंक्रीमेंट होती है साल भर बाद, 8-10 महीने बाद, तो वो उतना ज्यादा नहीं होता है अप्रेजल। तो मेरा तो उतना नहीं हुआ था, अब मैं पर्टिकुलर नंबर नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नंबर नहीं बोल सकते। और बाकी डेजिग्नेशन हाइक जो होता है वो अच्छा होता है। तो सैलरी वाइज हाँ ठीक है, डेजिग्नेशन हाइक में अच्छा मिलेगा, मगर अप्रेजल में उतना एक्सपेक्ट मत ही करना। और वैसे भी फर्स्ट कंपनी है तो मैं कहूंगा सैलरी के बजाय करियर ग्रोथ पे ध्यान दो, लर्निंग पे ध्यान दो, सैलरी अपने आप बढ़ेगी। अगर जैसे स्किल्स अच्छी होंगे ना तो सैलरी अपने आप बढ़ती रहेगी। तो बस ये शॉर्ट सी वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए। आई होप मेरी वीडियो पसंद आ रही है, एंड प्लीज लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।